गई थी। अभी हम लोग पद्मनाभ स्वामी टेम्पल दर्शन करने के बाद वहाँ पे गए थे परशुराम टेम्पल दर्शन करे, और अभी आए हैं अजीमाला टेम्पल। ये है टेम्पल के अंदर का व्यू, और यहाँ पे शिव जी का एक बड़ा सा स्टैचू है, और पीछे समंदर है, और ये है अजीमाला टेम्पल का मेन मंदिर। ये वाला जो स्टेचू है आप लोग देख रहे हो, ये 58 फुट टॉल है, और केरला का सबसे बड़ा शिव स्टैचू है। और इसका जो शिव जी जो गंगाधर स्वराय जो रूप है उनका, मतलब सर पे उनका जटा में उनका गंगा है। और ये देख रहे हो ये है कोवलम बीच, तो समंदर के बीच के किनारे ये वाला मंदिर है अजीमाला टेम्पल, और ये केरला का सबसे बड़ा शिव स्टैचू है, और बहुत सुंदर प्लेस है ये। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लोग कभी त्रिवेंद्रम आ रहे हो या केरला टूर करने आ रहे हो, तो एक बार अजीमाला टेम्पल यहाँ पे ज़रूर विजिट करना, यहाँ का व्यू आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिल रहा है। अभी मंदिर का टाइमिंग जो है बंद हो गया, मतलब टाइम हो गया है। इस वाला मंदिर का टाइमिंग है 5:30 AM to 11 AM, मतलब मॉर्निंग टाइम है, और इवनिंग को 5 बजे से लेके रात के 8:30 बजे तक ये वाला मंदिर खुला रहता है। और हम लोगों ने परशुराम टेम्पल विजिट करने के बाद यहाँ आके पहुँचते हमें मतलब हम आके 11:05 पे पहुँचे, तो अभी देख सकते हो ये वाला रस्सी जो है ये लगा दिया गया है ताकि मंदिर बंद है। और यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है अभी, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अभी रेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ी देर घूमने के बाद, बहुत ज़्यादा धूप है अभी, यहाँ पे बैठ के थोड़ा बहुत कुछ रोहित को मैं खिला दूँगी बिस्किट वगैरह। और यहाँ पे इतना धूप है कि जो नीचे चल के जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मंदिर में तो चप्पल पहन के नहीं आ सकते, चप्पल तो बाहर रख के आ गए। और यहाँ पे नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है, ताकि मतलब पैर रख के नहीं जा सकते, इतना मतलब पे नीचे का फ्लोर एकदम गर्म हो गया है, तो खाली पैर जाना मुश्किल हो रहा है। और फिर भी यहाँ का जो नज़ारा है, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, समुद्र के किनारे ये वाला मंदिर बनाया गया है, और साथ साथ इसका जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा मतलब मनमुग्धकर है। और आप अगर आ रहे हो त्रिवेंद्रम, तो एक बार ये वाला मंदिर बहुत ज़रूर विजिट करना, बहुत अच्छा मंदिर है, और यहाँ का प्रसाद भी बहुत टेस्टी है। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके। और इस वाले मंदिर के पीछे आप लोग देख सकते हो एक कितना सुंदर बीच है, और बीच के किनारे नारियल का ही पेड़ है, बहुत अच्छा सुंदर बीच है। और इसका बीच का जो पानी का नज़ारा आप लोग देख सकते हो, ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है, सच में ये पानी ऐसा ही दिखता है नेचुरली।
और ये बहुत बड़ा एरिया है। और ये वाला जो स्टैचू है ये बहुत 58 फुट का है, जो कि केरला का सबसे बड़ा शिव स्टैचू है। तो आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है। गाइज ये है अजीमाला शिव टेम्पल का मेन मंदिर, जहाँ पे शिव जी पूजा पा रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला जो फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर ये वाला मैट डाला गया है, ताकि फ्लोर जब गर्म हो जाए तो लोग इस पे चल के घूम सकते हैं। और मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ अभी ये वाला बीच का नज़ारा। तो ये जो स्टैचू आप लोग देख रहे हो, इसके पीछे ही समंदर का ये वाला बीच है। और बीच का व्यू आप लोग देख सकते हो कितना क्लीन है एकदम, मतलब पानी जो है ना एकदम कितना अच्छे से दिख रहा है। बीच भी एकदम नीट एंड क्लीन है, और साथ साथ शिव जी का बहुत बड़ा स्टैचू है। और ये मंदिर का व्यू मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, कितना सुंदर मतलब कलाकारी हुआ है इस वाले मंदिर में, बहुत सुंदर कलाकारी हुआ है। और हम लोगों ने ऑटो से आए थे, और हमने स्टेशन से ही ऑटो बुक कर लिए थे। हमारा ऑटो का प्राइस जो है वो 1500 रुपया लेगा, और हमें त्रिवेंद्रम का सारा जितना भी प्लेसेस है घूमने का वो हमें घुमा के दिखाएगा। तो हमारा तीन प्लेस हो गया। अभी हमें लेके जा रहा है पोवर बैकवाटर, जो कि केरला का बैकवाटर फेमस है बहुत, तो केरला बैकवाटर्स के लिए बहुत फेमस है। अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो आप लोग मेरी ब्लॉग में बने रहिए, और एक के बाद एक में आप लोग को नए नए ब्लॉग देते रहूँगी। तो नेक्स्ट वाला ब्लॉग मेरा आएगा केरला का बैकवाटर, तो ही पे हम लोग चल रहे हैं। तो जाते जाते मैं यहाँ पे आप लोग को रास्ते का कुछ व्यूज दिखाते जा रही हूँ। तो चलिए गाइज, होप आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।